और यहाँ से पौड़ी 60 किलोमीटर दूर है और पावा 30-35, और हम लगभग 10 बजे तक हमको पौड़ी पहुंचाना चाहिए। हाँ 10 बजे तक पहुँच जाना चाहिए। फिर भी हम पहुँच जाएंगे लगभग 4-5 बज जाएंगे हमें देहरादून पहुँचते पहुँचते। और यहाँ पे मौसम भी बहुत ही ठंडा है, करीब 20-22 डिग्री है, और कल ही बारिश हुई थी यहाँ पे। ठंड का मौसम चल रहा है, देखिए चारों ओर अपने। और इस वीडियो को देखिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। और देखिए भंडारी भाई का गांव है, सभी भंडारी भाई लोग सब्सक्राइब कर दे। अरे भंडारी गण, In the midst of this crowd, I was lost, so I started traveling and started making vlog. The life is a journey, and you have to follow the path and decide where you want to go. Life is unexpected, but life is beautiful as well. इसकी आदतें खराब हैं। 5 बजे से रो रहे हैं। हाँ हाँ 5 बजे से रोने सारे तेरे स्टार्ट करूँगा तो देखिए चल चलें। भंडारी भाई हमारे यो धूप हो रखी है और देखिए पूरे धूल ही धूल से नहा रखे हैं यहाँ पे। देखिए हमारी गाड़ी गाड़ी की हालत देख रहे आगे भगीरथी और अलकनंदा तो दोनों मिलके यहाँ पे गंगा बनाती है। मेरा केंद्रीय विद्यालय आपको बाहर का सीन भी दिखा देते हैं। यहाँ पर पौड़ी में रुके हैं, बहुत ही खूबसूरत माउंटेन एरिया है। ये पराठे कहाँ पहुँच गए हम? जौनी खाल जौरी खाल कौन है ये? भंडारी भाई के घर पहुंचने वाले हैं, आई मीन गांव मुसेटी भी आने वाला है बगल में, तो हम एक्सप्लोर कर रहे थे। लेट्स गो एक्सप्लोर दिस एरिया। राजा भाई इधर प्याज देखिए भंडारी अगर पूरी जॉइंट फैमिली तीन घर 1 2 3 भंडारी वहाँ शुरू हो चुके हैं अपना फोटोग्राफी सेशन। इसी पल के लिए रखा था मैंने 1+60। देखिए यहाँ पे भंडारी भाई पैदा हुए हैं इस घर के अंदर।